हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम अनूप उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग द चैनल ऑफ शुक्ला क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। हमने आपको उस लेक्चर में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और हमने आपको उस लेक्चर में ये भी बताया था कि अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके की दिखती हैं। मतलब कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप कैसी बनाएंगे, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप कैसी बनाएंगे, है ना। अगर आपके पास डाइपोल है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, सिमिलर चार्जेस हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, ये सब हमने उस लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने उस लास्ट लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग उस लेक्चर को देखिए, जिससे आप लोग आज के इस लेक्चर में अटेंटिव हो सके और वो कंटिन्यूएशन बना रहे। ओके, तो उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों, एक नंबर में एग्जाम्स में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस को भी। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर। मैंने इनको प्रॉपर्टीज को पहले ही लिख लिया है ताकि एक्सप्लेनेशन के दौरान मुझे कम टाइम भी लगेगा और आप लोगों को पूरी पूरी प्रॉपर्टीज अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। तो देखते हैं इसमें पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कंटीन्यूअस कर्व्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों बताइए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था साफ साफ कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग कैसे बनाते थे। तो वो सिंपल था, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए हेल्प लेते थे उस छोटू की। वो छोटू क्या था, छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। चलिए मैंने उसे यहां रख दिया। तो बताओ ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसकी तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज से तो दूर जाएगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा। तो कंडीशन क्या होगी जरा बताइए बच्चों, ये चार्ज इससे तो अवे और ये इसकी तरफ, तो लाइन कैसी बनेगी बच्चों, ये ऐसा। और अगर ये चार्ज यहां होता बच्चों तो कैसा बनता, तो ये पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ इस तरीके से होता, ये ऐसा। और मान लीजिए यहां होता तो ये इस तरीके से होता, है ना, ऐसा कुछ। ये आपके सामने कंडीशन बन के आ गई बच्चों, देखिए। और यहां होता तो इस तरीके से दूर जाता, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको डाइपोल के लिए बताया भी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, तो ये हम लोगों ने बना ली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जरा इन कर्व्स को देखिए, इन लाइंस को पहचानिए, इन ये लाइंस आपसे क्या सिंपल सी प्रॉपर्टी बताना चाहती हैं, आपसे क्या कह रही हैं। तो सिंपली ये लाइंस कहती हैं आपके पास कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, ये कहां से स्टार्ट होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से तो चलना स्टार्ट करती हैं और कहां एंड हो जाती हैं, हमारी नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये आपकी कंटीन्यूअस कर्व्स होती हैं। कंटीन्यूअस कर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, कंटीन्यूअस कर्व का मतलब ये होता है कि जब आपकी लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव की तरफ एंड होगी तो उस पूरी जर्नी के दौरान इस लाइन में बीच में ब्रेक्स नहीं होंगे, ये लाइन बिल्कुल कंटिन्यूअस होगी, इसमें बीच में ब्रेक्स पॉसिबल नहीं होते, ये एक परफेक्ट स्मूथ लाइन होती है बच्चों। क्या मेरी बात आप समझ पाए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये लाइन बढ़ेगी आगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ लाइन होगी, इट डज नॉट हैव एनी ब्रेक। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये हम सीख चुके हैं। इसमें कंटिन्यूअस कर्व है ये, जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड हो जाता है। क्या मेरी बात आप समझ पाए, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ द टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों बनाई जाती हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के आसपास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको हेल्प करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी ज्यादा आसानी से स्टडी करने के लिए। क्या स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस चार्ज के आसपास जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इस पी पॉइंट पे,
क्या वैल्यू होगी, क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से बता सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड पॉइंट के जरिए कि कैसे, बच्चों देखिएगा कि कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, मैं वो बताने वाला हूं। देखिए कैसे होता है, आपके पास बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक डायपोल का सिस्टम है, है ना, ये डायपोल सिस्टम है। अब मैं आपसे कहता हूं देखिए डायपोल का फील्ड इस तरीके से है, ये जो लाइन है ये इस तरीके से डायपोल का फील्ड है। अगर डायपोल के आसपास उसका फील्ड होगा तो उसकी शेप कैसी दिखती होगी, ऐसी दिखती होगी बच्चों। अब मैं आपसे कहता हूं भाई कि आपके पास इस फील्ड में एक पॉइंट है, ये P, सही है, और इस फील्ड में एक पॉइंट है बच्चों ये Q। तो बताओ इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपसे पूछता है वो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए इसके लिए क्या बोलता है ये सेकंड पॉइंट, वो ये कहता है सिंपली एक काम करो, इस P पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे सकती है। देखिए जैसे P पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है, तो आप क्या करो सिंपली ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे इस P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट क्या होती है बच्चों, टेंजेंट सिंपली ये है, ये सर्कल है जैसे, और ये सर्कल की बाउंड्री है ना, तो ये जैसे टेंजेंट क्या है, टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री को एक पॉइंट पे टच करके जाती है ना, ये टेंजेंट है। तो जैसे कि यहां देखिए आप लोग, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, आपसे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है, तो आप सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन उस टेंजेंट की होगी तो वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, सिंपली देखिए हमने कितनी आसानी से बता दिया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये ऐसी ये होगी। अच्छा टेंजेंट का फेस किस तरफ होगा बच्चों, जो टेंजेंट का फेस होगा ना, हेड जो होगा, वो टेंजेंट का हेड होगा हमेशा नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक हम जानते हैं छोटू था किस तरफ मूव करता है, नेगेटिव की तरफ ही तो मूव करता है वो, तो ये इस तरीके से, या फिर ऐसे कह लो पॉजिटिव से अवे होगा। तो बच्चों देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता है उस पॉइंट पे। तो ये दूसरा पॉइंट था, इफ द टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने डायरेक्शन बता दी इलेक्ट्रिक फील्ड की विदाउट एनी कैलकुलेशन। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा वाला पॉइंट। तो देखिए क्या है, टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों बहुत ज्यादा, जो अक्सर हमारे प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में पूछा गया है। क्या कहता है पॉइंट कि बच्चों देखिएगा, ये पॉइंट आपसे सिंपली ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती। अब सवाल आता है बोर्ड में क्यों नहीं करती, ये तो लिखा हुआ है साफ साफ, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, एक लाइन ऐसे चलती है, एक लाइन ये ऐसे चली गई, ठीक है, मैंने मान लिया कट कर गई है। अब देखना बच्चों मुझसे कहा गया बच्चों कि ये P पॉइंट है, बताओ भाई इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, मुझसे कहा गया है कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये मुझसे पूछा है। तो बच्चों देखना, मैं इसको यहां पे अलग से बना रहा हूं, एक ऐसे जा रही है लाइन, एक लाइन इस तरीके से जा रही है ऐसे, ये है P पॉइंट। अब तुम्हें पता है कि मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी हो तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ठीक है साहब, मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करी, एक इस लाइन के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एक इस लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो मैं करता हूं, चलिए एक ये टेंजेंट आएगी इस वाली लाइन के लिए और इस वाली लाइन के लिए एक ये टेंजेंट आ गई। बच्चों अब जरा सोचो, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो गई, दो टेंजेंट का मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे, क्या ऐसा पॉसिबल है,
क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका आपके पास एक पॉइंट पे चार्ज की दो डायरेक्शन आ जाए? ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां से बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसका रास्ता होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रास्ता होता है आपके उस पॉजिटिव चार्ज का जो चल रहा होता है, छोटू चार्ज जो मैंने आपको बताया था। अब जरा बच्चे सोचिए, इस पॉइंट पे जब चार्ज पहुंचेगा तो क्या वो एक बार में दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है? नहीं। फिर समझिए, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल हो सकती है? नहीं। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि आपका चार्ज, छोटू चार्ज, एक बार में एक ही तरफ मूव कर सकता है, दोनों तरफ मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों, आपकी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्होंने एक पॉइंट पे कट किया तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगी, और अगर दो टेंजेंट होंगी तो उसी सेम पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस भी होंगी, और ये पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, दो नहीं हो सकती। यही हमने लिखा है, बिकॉज एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। उनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपके पास तीन पॉइंट हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़े हुए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसमें आता है फोर्थ चौथे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, आप लोगों के सामने मैं फिर दोबारा वही कंडीशन बनाता हूं, डाइपोल वाली, और कंडीशन बहुत सिंपल भी है बच्चों। आपके पास ये कंडीशन है, ये इस तरीके से मैंने डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी, ठीक है। ये सिंपली हम लोग जानते हैं, अभी तक हम लेक्चर से सीख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल। और देखिए, मैंने आप एक चीज पे बहुत फोकस किया है, आप देखिएगा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को टच नहीं किया है, कट नहीं किया। कोई अगर आप कट करवाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो वो गलत होगा, ध्यान रखना आप लोगों को। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आपसे, आपसे फोर्थ वाला पॉइंट ये कहता है कि भाई आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है बच्चों कि बताइए एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, अब ये बताइए कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब आपसे कैलकुलेट नहीं करवाया, आपसे सिर्फ एक आइडिया मांगा है। क्या आइडिया मांगा है बच्चों कि बताओ, ये डाइपोल है, इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कुछ इस तरीके की शेप लेकर के दिखता है, ये ऐसा होता है ना। अब आपसे पूछा ये गया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, और ये कहा है कि बताइए भाई साहब, ये बताओ कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी या बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी। तो देखिए, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको भी समझा सकती है। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने डायरेक्शन बता दी थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ये भी बता देंगे कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, इसका आपको आइडिया दे सकती है। कैसे? देखिए बच्चों, फोर्थ पॉइंट आपसे ये कहता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, ध्यान से समझिए, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है वो आपको आइडिया देती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। फोर्थ पॉइंट यही कहता है कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो क्लोजनेस है वो आपको आइडिया देती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में उस पॉइंट पर। जैसे बच्चों बताओ, बी पॉइंट को देखिए, बी पॉइंट पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, और ए पॉइंट को देखा जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। तो सोचिए कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है, जाहिर सी बात है बी पॉइंट पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। बहुत सिंपल, कि जो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे लाइंस ज्यादा क्लोज हैं और ए पॉइंट पे लाइंस उतना क्लोज नहीं है। तो ये बात रही है ना, ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। आखिरी पॉइंट रह जाता है बच्चों आपके पास, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि भाई आपके पास
देखो ये बात रही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की कि पास पास होंगी तो स्ट्रॉन्ग, और बात रही अगर दूर दूर होंगी तो वीक। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं भाई साहब कि ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, जैसे एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी, और आपसे ये कहा गया है कि भाई बताओ तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, तो ऐसे इस कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती होंगी? समझो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अब ये कंडीशन बोली गई है कि भाई आपके पास तीन पॉइंट है ए बी और सी, और ये कहा गया है तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो बताइए ऐसी कंडीशन है आपके पास तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता होगा? तो सिंपली बच्चों उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाया जाता है, देखिए बच्चों इस तरीके से, ऐसा मतलब ये क्या है बच्चों, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं। तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे? अगर आपके पास किसी जगह पर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखें और वो पैरेलल भी हो, साथ में एक दूसरे से बराबर बराबर गैप पे हो, बराबर बराबर डिस्टेंस पे हो, तो बच्चों वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके हर पॉइंट पे आइदर ए आइदर बी और आइदर सी, हर पॉइंट पे वैल्यू भी सेम होगी। मान लो यहां पे 10 है तो यहां पे भी 10 होगी और यहां पर भी 10 होगी, हर पॉइंट पे वैल्यू भी सेम होगी और हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी सेम होगी। यहां डायरेक्शन मान लो ये वाली है तो यहां पे भी डायरेक्शन ये है और यहां पे भी डायरेक्शन सेम यही वाली है। तो देखिए पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा सेवेंथ पॉइंट। आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके सामने कुछ दो प्रॉपर्टीज और रखता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और दो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, और हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है ये हमारे अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में और प्री बोर्ड में पूछी जाती है ना, तो इसको अच्छे से हम लोगों को समझना भी है। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर है ना, जैसे मैंने ले लिया मेटल का ब्लॉक, मेटल एक कंडक्टर होता है। अब सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे आती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस मेटल कंडक्टर से टकराती हैं तो बच्चों याद रखिएगा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर ही इसको इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब अगर इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है और इस सरफेस पे टकराती है तो बच्चों याद रखिएगा उसकी डायरेक्शन इस मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और हमसे ये है हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन बोर्ड में इतना ही नहीं, बोर्ड में इसका एक्सप्लेनेशन भी मांग लेता है 2 मार्क्स में। अगर एक नंबर में आता है तो आप इसे लिख सकते हो यहां तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगर आपके पेपर में इसका एक्सप्लेनेशन मांगा तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों, है ना, ये 2 मार्क्स में आ सकता है पूरा, तो मैंने इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन को पहले समझा दूं, फिर आप लोग इसको आसानी से नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। हमने अभी तक क्या बताया कि ये कोई कंडक्टर है ना, ये उसकी सरफेस है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 2, ये परपेंडिकुलर है। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन बना कि कौन सा वाला फिगर सही है, 1 वाला या 2 वाला, तो आपका आंसर होगा दिस 2 वाला इज करेक्ट। तो दूसरे नंबर वाली फिगर है वो, दूसरे नंबर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सही है, पहली वाली गलत है। क्यों गलत है पहली वाली? क्योंकि पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। अब बात आती है कि अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगी तो उससे क्या दिक्कत होगी, है ना, क्यों है ऐसा, समझते हैं इसे। मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग कि ये मेरे पास कोई एक सपोज कर लीजिए कोई ये मेरे पास एक वायर का टुकड़ा है ना। अब मेरे को इस वायर के टुकड़े में करंट को फ्लो कराना है। करंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या कहती है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है जब इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स
एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। फिर समझिए, इस वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो करंट बनेगा इस वायर के अंदर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा, तो क्या आप मुझे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट बैटरी, बिना बैटरी के लगाए इस वायर में करंट बन जाए? आंसर है नहीं। जब तक आप बैटरी नहीं लगाओगे, बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ पुश करेगी जिससे करंट बनेगा। बैटरी का काम सिर्फ इतना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना और चार्जेस को एक तरफ धक्का लगाना, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ पुश करना, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर उनको एक तरफ पुश करना जिससे कि करंट बन सके। तो मतलब विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट बैटरी आप करंट नहीं बना पाएंगे, है ना। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ऐसा होता तो बिना स्विच ऑन करे पंखे चल जाते, ऐसा नहीं होता ना। किसी वायर में करंट बनाने के लिए आपको बैटरी की सप्लाई जरूरी है। अब देखिएगा बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं यहां से, ये कंडीशन है, अगर बच्चों ऐसा होता, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर ना होती तो क्या दिक्कत होती, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम समझते हैं, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होती, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से सरफेस से हिट करती तो उससे पता है क्या होता। बच्चों देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कितने हिस्से होते, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कितने कंपोनेंट हो जाते, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दो कंपोनेंट होते, कौन से वाले, एक तो ये वाला E cos थीटा, अगर एंगल थीटा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से हिट किया कंडक्टर से, अब हम ये बता रहे हैं कि गलत क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हिट करता है कंडक्टर से तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला हिस्सा होगा E cos थीटा और दूसरा वाला क्या होगा बच्चों, ये वाला परपेंडिकुलर सरफेस के E sin थीटा, समझिएगा ध्यान से, ये दूसरा वाला हिस्सा होगा E sin थीटा। अब समझिए, E sin थीटा तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन E cos थीटा को देखिए, ये कैसा है, E cos थीटा वाला हिस्सा सरफेस के इस तरीके से अलोंग लगा हुआ है, E cos थीटा वाला हिस्सा सरफेस के डायरेक्शन में है, सरफेस के अलोंग लगा हुआ है। फिर समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हिट किया, दो टुकड़े हुए, E cos थीटा E sin थीटा, E cos थीटा को देखिएगा, E cos थीटा वाला हिस्सा इस सरफेस के ये ऐसे हिट किया तो ये E cos थीटा वाला हिस्सा इस सरफेस के ऐसे अलोंग है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिएगा, तो जितने भी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, बच्चों ध्यान से समझो, जितने भी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का cos थीटा वाला हिस्सा इन सब पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। फिर समझो, एक फॉर्मूला होता है E is equals to F upon Q, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है, है ना, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, E is equals to F upon Q। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो E cos थीटा वाला हिस्सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो E cos थीटा वाला हिस्सा है, ये हमारे सरफेस के अलोंग है, हमारे सरफेस के अलोंग है, पैरेलल है। तो जितने भी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे बच्चों, ये उन सबको इसी डायरेक्शन में आगे मूव कराएगा, तो इससे क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस E cos थीटा की वजह से इस तरफ मूव करने लगेंगे, और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस के एक ही तरफ मूव करने लगे तो क्या करंट नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपने बैटरी लगाई नहीं और आपको करंट मिल गया, बहुत बड़ी बात है ये। फिर समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया तो इसके दो टुकड़े हो गए, E cos थीटा और E sin थीटा। E sin थीटा तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो फोर्स नहीं लगा पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं कर पाएगा, लेकिन जो E cos थीटा है, ये जो व्यक्ति है E cos थीटा, ये विलयन का काम करेंगे, कैसे, कि जो E cos थीटा वाला हिस्सा है, ये जितने भी ये E cos थीटा वाला हिस्सा हमारे सरफेस के अलोंग है, और जितने भी सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जितने भी सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बोलूं वो होंगे, उनको वो एक तरफ पुश प्रोवाइड कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है तो उनको एक तरफ पुश कर देगा, और जब वो एक तरफ पुश करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ चलेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, करंट बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मैं इसे पढ़ देता हूं अब। So, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि सो दैट देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है तो बच्चों ये जो ई कॉस थीटा है ये नहीं आ पाता है। फिर समझिए, अगर ये परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई कॉस थीटा के आने के चांस खत्म हो गए, ठीक है। सो दैट द नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर व्हिच वुड मूव व्हिच वुड अप्लाई फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर एंड डेवलप द सरफेस करंट। जब ऐसी कंडीशन होगी तो e cos थीटा नहीं बन पाएगा, और अगर e cos थीटा नहीं बन पाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उससे हमारा सरफेस करंट नहीं बनेगा। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, इसको आप याद करिएगा, इस पॉइंट को इसको लिखिएगा अच्छे से। फिर आखिरी पॉइंट है, इनसाइड द कंडक्टर्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आपके पास ये कोई एक मेटल की बॉल है, ये एक मेटल की बॉल है, हॉलो है अंदर से, मेटल की बॉल ये अंदर से हॉलो होगी मान लिया मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर तक रहेंगी, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा जरूरी था ये आपको बताना कि कोई भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं होती है। तो ये हमारे आज के 9 पॉइंट्स हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करूंगा। मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आती हैं, उनका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, और हमने आपको बोर्ड पर्पस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी वो सब हमने अब तक देख ली है। तो तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखिए, गुड बाय। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।